माँ आ गई, माँ को पता होगा। क्या पता होगा? बड़ी माँ और बड़ी दादी हमें कहानी सुना रही थी कृष्ण जी की जन्म की, पर बड़ी माँ को आगे की कहानी याद ही नहीं आ रही। पर आपको पता होगा, आप बताओ ना, कंस ने पूतना के बाद किस राक्षस को भेजा था श्री कृष्ण के पास? कंस ने पूतना के बाद तृणावर्त को भेजा था, और पता है वो ना ऐसा राक्षस था जो बहुत तेज तूफान लाता था। उसके बाद में उसने ये सोचा कि कान्हा तो इतने छोटे हैं, वो तो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे, और वो इतनी तेज तूफान लाएगा कि छोटे कान्हा ना उस तूफान में उड़ जाएंगे। लेकिन पता है कान्हा जी ने क्या किया? कान्हा जी ने ना ऐसे उसे मार दिया। और उसके बाद कंस ने वत्सासुर को भेजा, जो कि बछड़े का रूप लेके, बछड़ा पता है आपको? हाँ। बछड़ा मतलब गाय का बच्चा। बछड़े का रूप लेके कान्हा जी के घर में घुस गए, और कान्हा जी के घर में जो बाकी बछड़े थे ना उनके साथ में मिल गए। और फिर पर छोटे से कान्हा ने तो उसे भी बचा लिया होगा और फिर से मार दिया होगा। लक्ष्मी मैं आगे बताओ ना क्या हुआ। उसके बाद ना कंस ने और बहुत सारे राक्षस भेजे थे, लेकिन कान्हा जी ने ना किसी को भी नहीं छोड़ा, सब मारे गए। और उसके बाद फिर कंस ने सोचा कि अब मैं और क्या करूं, तो उसने ना एक प्लान बनाया कि बहाने से कृष्ण जी को मथुरा में बुला लेते हैं, और फिर उन्हें अपने जाल में फंसा के कान्हा जी को वहीं मार देंगे। लेकिन कान्हा जी तो बहुत ताकतवर थे, सुपरमैन की जैसे। हाँ, सुपरमैन की जैसे। सुपरमैन नहीं, वो भगवान थे। लेकिन उस वक्त कंस को उनकी ताकत का अंदाजा ही नहीं था। फिर पता है क्या हुआ? कृष्ण जी मथुरा में गए और उन्होंने कंस के सारे लोगों को हराकर कंस को मार दिया, और अपने माता पिता को भी कंस की कैद से आजाद कर दिया। कृष्ण जी सच में बहुत बहादुर थे, मैं भी इनके से बहादुर बनूंगा। हाँ, मैं भी इनके जैसे बहादुर बनूंगी। ठीक है, बिल्कुल बनना। पर पता है कृष्ण जी के जीवन में ना और भी बहुत सारी चीजें हुई थी, हम सबको उनके जीवन से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। पर लक्ष्मी माँ, आज तो कृष्ण का हैप्पी बर्थडे है ना, तो उसको जन्माष्टमी क्यों कहते हैं? जन्माष्टमी? अरे ये तो मलिष्का बता देगी, इतना तो पता होगा कि नहीं? हाँ दादी, मुझे पता है। इस दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को जन्माष्टमी कहते हैं, पता है मुझे। लक्ष्मी पुत्र, तू बता। जन्माष्टमी ना दो शब्दों से बने, जन्म और अष्टमी। जन्म का मतलब क्या होता है? बर्थ। और अष्टमी का मतलब आठ। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद के महीने में, यानी कि अगस्त सितंबर में, कृष्ण पक्ष के आठवें दिन पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था, और वो वासुदेव जी और देवकी माँ की आठवीं संतान थी, और विष्णु जी के आठवें अवतार थे। इसीलिए इस दिन को जन्माष्टमी कहा जाता है, और इस दिन को हम त्योहार के रूप में मनाते हैं। तो हम भी मनाएंगे, ये हम भी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे कृष्णा जी।